प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम को एक साल पूर्ण होने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने गोरखपुर से बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाने में गोरखपुर अव्वल बना है। साथ ही जिले में 1,66,000 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में भी जिला प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में गोरखपुर में योजना के 3 लाख लाभार्थी परिवार हैं, जिनमें 253 लाख लाभार्थी ग्रामीण में हैं, जबकि 46,324 लाभार्थी परिवार शहरी क्षेत्र के हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक साल में लगभग 12,000 लोगों का इलाज किया गया है, जिसमें से कैंसर, हार्ट पेशेंट, सीरियस इंजरी, ट्रांसप्लांट जैसे मरीजों का इलाज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना 2018 में 23 सितंबर को ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड से और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर से लॉन्च की गई थी। इसकी एक वर्ष पूरे होने पर हम लोग इसकी सालगिरह एक तरह से मना रहे हैं। उसके तहत हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज पहला तो सुबह रैली की गई, जिसमें पोस्टर्स बैनर्स के साथ रैली में लोगों ने प्रतिभाग किया और ये बताने की, जनता में ये मैसेज डालने की कोशिश की गई कि आयुष्मान भारत योजना कैसे संचालित हो रही है और इससे किन लोगों को लाभ मिलता है, और वो सारा बात बताने के लिए किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक अपने हॉल में गोष्ठी की, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम के लोग और उनके आयुष्मान मित्र और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आरोग्य मित्र, ये सब शामिल हुए थे। उसमें वाद विवाद हुआ कि आपको क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, और कुछ उपलब्धियाँ हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर एन के पांडे ने रखा जो हमने एक वर्ष में किया है। मैं बताना चाहूँगा कि गोरखपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हमेशा हर कार्य में अंडर 10 रहा है और किसी किसी में हम नंबर 1 भी रहे हैं। जैसे कि गोल्डन कार्ड जनरेशन में हम नंबर 1 पे हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें अवार्ड्स भी मिले हैं। और हमने आज तक एक वर्ष में करीब 12,000 लोगों को इसके तहत इलाज दे के ठीक किया है, और हमारे साथ 54 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 11 हमारे अपने हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमको बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं, जनता को लाभ दे रहे हैं, जहाँ की सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो हमारे चिकित्सालयों में नहीं है वो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेते हैं। घुटने का ट्रांसप्लांट, कूल्हे का ट्रांसप्लांट, कैंसर की सर्जरी, माउथ कैंसर की सर्जरी, ये सारी बड़ी सर्जरी हमारे इस ज़िले में आयुष्मान योजना के तहत हुआ है। इसके दोनों पहलू, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, इन दोनों के तहत अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 3 लाख से ऊपर परिवार आच्छादित हैं, लाभान्वित हो रहे हैं इसमें, और उनके 1.5 लाख गोल्डन कार्ड हम बना चुके हैं। हम जल्द ही सारे परिवार को गोल्डन कार्ड दे देंगे, जिससे कि उन्हें कहीं भी भारतवर्ष के किसी भी प्राइवेट इंपैनल हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से ये योजना का एक वर्ष जो पूरा हुआ, ये काफ़ी सफल रहा, ख़ास करके गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ज़िलों में इस योजना का बहुत अच्छा संचालन हुआ है, जैसे वाराणसी में, बरेली में और हमारे ज़िले में। तो हम पूरी कोशिश से अगले वर्ष भी इसी तरह काम करते रहेंगे ताकि एक कीर्तिमान गोरखपुर जनपद स्थापित कर सकें।